सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल एमटी सॉल्यूशन में। तो सर, काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अगर हमारे जो जीमेल अकाउंट के अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन से सीधा सिंक्रोनाइज होते हैं जीमेल अकाउंट के अंदर, तो कैसे, मान लीजिए हमारे फ़ोन से उन्हें हम डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद वापस से हमें रिकवर करना है, तो कैसे रिकवर कर पाएंगे। साथ ही काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आखिर कहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है जिससे हम गूगल पर जाकर चेक कर सकें कि हमारे कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है। साथ ही कुछ लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया कि मान लीजिए कि आपका कोई गूगल अकाउंट है एंड उस गूगल अकाउंट के अंदर आपको जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसके, वो सारे के सारे आपको बैकअप लेना है, तो कैसे आप बैकअप ले पाएंगे, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं, तो अभी मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप सभी को मिलते रहें। और पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा ताकि इन फ्यूचर अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जो मिस हो जाते हैं आपसे या फिर आप डिलीट हो जाते हैं आपके फ़ोन में से, तो वापस से आप रिकवर कर पाएंगे। दोस्तों, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसा कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपने गूगल कॉन्टैक्ट कहाँ रहते हैं, जो भी हमारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट होते हैं वे सिक्नाइज होकर कहाँ जाते हैं। तो आपकी जीमेल आईडी यहाँ ओपन है, जीमेल आईडी ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ कॉन्टैक्ट आ रहा है, कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, आप यहाँ से इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई कॉन्टैक्ट है वो डिलीट हो जाता है, आपके फ़ोन में से आप डिलीट करते हैं तो आपके गूगल अकाउंट में से डिलीट हो जाता है क्योंकि सिंक्रोनाइज होता है गूगल अकाउंट। तो आपको करना क्या है, आप मोड पे देख रहे हैं, मोड पे जाएंगे, मोड पे जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि अंडू चेंजेस आ रहा होगा, आप नीचे देख पा रहे हैं अंडू चेंजेस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि आप यस्टरडे, एक घंटे पहले या फिर कुछ मिनट पहले, या फिर आप देख सकते हैं कि कस्टम करके आपके सामने आपके जो भी कॉन्टैक्ट लॉस्ट हुए हैं वो कॉन्टैक्ट आपको रिकवर हो जाएंगे इस अकॉर्डिंग। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कस्टम का, क्योंकि यहाँ पे आपके 30 दिन के कॉन्टैक्ट, जो आप 30 दिन पहले के कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं वो भी रिकवर कर सकते हैं, तो 30 दिन तक के ही कॉन्टैक्ट आप रिकवर कर पाएंगे दोस्तों। तो मान लीजिए मैं 20 दिन लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने 20 डेज लिख दिया कि मैं 20 डेज पहले कॉन्टैक्ट लॉस्ट हुए थे। अब मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मिनट भी दे रखा है, हॉर्स भी दे रखा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि मैं 20 दिन पहले, मतलब 20 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो मैं यहाँ पर देख लूँगा नेट पर और वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। अब उसके बाद आपको देखना है कि ये ना मिनट कितने होते हैं, तो वो आपको लिखना होगा, तभी आपके कॉन्टैक्ट कस्टम वे में रिकवर हो पाएंगे, ये इसकी पॉलिसी है दोस्तों। तो उस क्योंकि अभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 20 घंटे हैं, अब 20 घंटे पहले आपके दिन के कॉन्टैक्ट लॉस्ट हुए, ये रात के हुए, ऐसा पता नहीं जा सकते ना, तो इस वजह से आप एक काम करिएगा, 21 घंटे भी कर सकते हैं, 20 घंटे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए 25 दिन पहले कॉन्टैक्ट लॉस्ट हुए, तो 25 दिन के हिसाब से हॉर्स और टाइमिंग जो भी होता है मिनट, वो आपको वहाँ पेश करना है और कस्टम तरीके से आप कर सकते हैं रिकवर। देख सकते हैं मैंने सिर्फ नेट पे सर्च कर लिया कि हाउ मनी मिनट इन 20 डेज, तो ऑटोमेटिकली वो दे देगा मेरे को कितने मिनट होते हैं 20 दिन के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पे मिनट आ गए हैं, मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ एंड वहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं कंफर्म कर दूंगा, जैसे मैं कंफर्म करूंगा देख सकते हैं यहाँ पे इसने बोल दिया है कि 30 दिन की कॉन्टैक्ट आप रिकवर कर पाएंगे, तो ये वाले कॉन्टैक्ट मेरे रिकवर कर देगा अगर मेरे लॉस्ट हुए होंगे तो। इसके अलावा आपके सामने मैन्युअली बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, कल के दिन का है, यस्टरडे है, 1 घंटे पहले का है, कुछ मिनट पहले का है, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो पाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अदर कॉन्टैक्ट की लिस्ट भी आ रही है, मान लीजिए कभी कोई कॉन्टैक्ट आपका मिलता नहीं है तो आप यहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं, अदर कॉन्टैक्ट के अंदर भी वो सेव हो जाते हैं कॉन्टैक्ट, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट को। और सबसे बेस्ट है अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं करना चाहते हैं सब, तो आपके सामने गूगल और कॉन्टैक्ट का एक ऐप आता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, उससे भी आप ये काम कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। और मान लीजिए सारे कॉन्टैक्ट का आपको बैकअप भी लेना हो, तो यहाँ से आप VCF फाइल भी कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ऑल कॉन्टैक्ट कर VCF फाइल बना सकते हैं, तो इस तरह से आपके सारे कॉन्टैक्ट रिकवर हो जाएंगे, कोई भी लॉस्ट हो जाता है कॉन्टैक्ट वो आपके रिकवर हो जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेस्ट ऑप्शन मैं मानता हूँ इसको, गूगल कॉन्टैक्ट को। और आजकल हर कोई अपनी जीमेल आईडी लगाता है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, तो सारे कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और यहाँ पे हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी वीडियो कैसा लगा मुझे अभी कमेंट करके बताइए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँ।